5 दिन में जो कुछ भी हम सीखे हैं, मतलब वो हम एक्सपेक्ट नहीं करके आए थे इतना ज़्यादा। हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बढ़ा। ये हम काम पहले जुड़े रहते थे, काश कहीं और हम भी रहते। हमारे गांव के तरफ के अभी 4 लोग जुड़े हुए थे इससे पहले, जो अभी 2 स्टेशन मास्टर में है, एक जो है TT है और एक ग्रुप डी में है। उन लोग भी यहाँ पर बाल संस्कार पाठशाला में अपना टाइम देते थे। मेरे जीवन में यही परिवर्तन आया कि मैंने इस समझा कि हमारे अंदर वो ऊर्जा है और यह PDC के माध्यम से उस ऊर्जा को जगाया गया। सोई हुई ऊर्जा, खोई हुई ऊर्जा, जो भी कह लीजिए, उसको जगाया गया यहाँ से। जैसे कि बजरंग बली के पास ताकत रहते हुए भूल गए थे, उसको जगाने का काम जमवंत ने किया था, उसी तरह छात्र के, हम सब के जीवन में छात्र के जीवन को जगाने का काम यहाँ PDC के माध्यम से हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई प्रांतीय व प्रकोष्ठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप हमारे पीछे बहुत सारे भाई जो आज PDC क्लास का अंतिम क्लास करके खड़े हैं, उनके हाथ में सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं। ये जो PDC क्लास है, जिसमें बहुत सारे युवा भाई अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं इन भाइयों के पास और जानते हैं कि PDC क्लास करने का उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। PDC के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? मेरे एक मित्र हैं और मतलब मेरे रिलेटिव भी हैं, भाई हैं, ददन कुमार, तो उनसे हमें ये जानकारी प्राप्त हुई। वैसे तो हम लगभग 1 साल से जान रहे हैं इन्हें, ये गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री परिवार को, बट हमें ये भरोसा इस पे इस बार हुआ है। उसके बाद हम PDC कोर्स ज्वाइन किए हैं और इस 5 दिन में जो कुछ भी हम सीखे हैं, मतलब वो हम एक्सपेक्ट नहीं करके आए थे इतना ज़्यादा। उसके बाद मतलब विचार होता है ना, मतलब आप सर उस दिन बता रहे थे कि जो बीज बोया गया है, अगर उसको हम अपने अंदर सही से सींच के, उसमें जैसे खाद पानी डाल के रखा जाता है, वैसे अगर हमेशा के लिए रखें, तो मतलब हमें खुद पे विश्वास है कि एक दिन हम अच्छे आदर्श इंसान बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने से पहले आपका क्या विचार था और यहाँ पे आने के बाद आपका क्या विचार रहा? यहाँ से आने से पहले जब मतलब मेरे पास लगभग सब कुछ था, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उदास रहते थे, मतलब खुश नहीं रह पाते थे, ठीक। लेकिन पता नहीं ये 5 दिन में क्या हुआ है। हम तो ये सोच के सिर्फ आए थे कि 5 दिन बाहर नहीं जाने दिया जाता है। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग 90% जो पीपल हैं, जो भाई हैं, वो उनको दुखी होते हैं तब वो आते हैं, लेकिन मतलब उन्हें भी आना चाहिए जो अभी मतलब मस्त हैं, चिल हैं। मतलब उनके जीवन में ऐसा नहीं कि दुख आया तब पता चला कि वो कुछ गायत्री शक्तिपीठ है, गायत्री परिवार है, उसमें जुड़ेंगे तो मेरे में सुधार आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप सीख सकते हैं खुद के गलती से भी, या जो दूसरे कोई गलती किए हैं उससे भी आप सीख सकते हैं कि क्या हमें करनी चाहिए और क्या हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? जी नीतीश कुमार। कहाँ से हैं आप? नालंदा से। PDC के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? नालंदा युवा मंडल के भाई लोग वहाँ युवा मंडल चलाते हैं, तो वहीं के भैया लोग बोले कि जाइए आप PDC कोर्स कीजिए। ऐसे तो हम जुड़े हुए हैं 2017 से ही गायत्री परिवार से, और सभी कार्यों में समयदान भी देते हैं, लेकिन जो होता है भाव, जैसा भाव होता है, जो भाव से समय दान देना चाहिए उस भाव से नहीं दे पाते थे। और बहुत बार हमको वहाँ के भाई लोग बोले थे कि जाइए PDC कोर्स कीजिए, तब आप देखिएगा कि आपको में कितना बदलाव आ जाएगा। तो हम हर एक बार इग्नोर करते गए कि नहीं मेरा पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, टालते गए। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा बोले कि जाइए आपका, फिर देखिएगा, मेरा BPSC का एग्ज़ाम है यही दिसंबर में, तो बोले कि जाइए आप, एग्ज़ाम का टेंशन नहीं लीजिए, जे आप जा हो करके आइए वहाँ से। तो हम बोले चलिए कहिए रहे, तो भैया का बात मान करके आए और यहाँ आ करके ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब सच में जितना पढ़ाई कर रहे थे, जितना ज़्यादा टाइम दे रहे थे, अब कम टाइम में भी मतलब मेडिटेशन करेंगे तो कम टाइम में भी हम अपना पढ़ाई को मतलब मेंटेन कर सकते हैं। नाम है आपका भैया? अभिजीत कुमार। कहाँ से हैं आप? गया डिस्ट्रिक्ट। PDC के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? PDC के बारे में मैंने भैया विवेक भैया हैं वही बताए थे, वो PDC कर चुके हैं। PDC करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? PDC करने के बाद लगता है कि ये मेरा जैसे टर्निंग पॉइंट होता है, वो टर्निंग पॉइंट है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा समय है और बहुत सा चेंज हुआ, जो हमें यहाँ लगता है कि बहुत पहले ही आ जाना चाहिए, जो हम यहाँ आने में लेट कर दिए हैं। आपके पढ़ाई में क्या क्या परिवर्तन आया? पहले पढ़ाई तो करते थे, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे पढ़ने के बाद मतलब बहुत गैप ले लेते थे, लेकिन आप कंसिस्टेंसी से 4 घंटा 3 घंटा लगातार पढ़ लेते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे तरह से कुछ भी सीख लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? राजकिशोर कुमार। कहाँ से हैं आप? बांका जिला से। PDC के बारे में आपको कहाँ जानकारी? नुक्कड़ नाटक माध्यम से।
अच्छा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। अच्छा पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में यही परिवर्तन आया कि मैंने इस समझा कि हमारे अंदर वो ऊर्जा है और यह पीडीसी के माध्यम से उस ऊर्जा को, खोई हुई ऊर्जा को जगाया गया, सोई हुई ऊर्जा, खोई हुई ऊर्जा जो भी कह लीजिए उसको जगाया गया यहाँ से। जैसे कि बजरंग बली के पास ताकत रहते हुए भूल गए थे, उसको जगाने का काम जमबंध ने किया था, उसी तरह छात्र के, हम सब के जीवन में छात्र के जीवन को जगाने का काम यहाँ पीडीसी के माध्यम से हुआ। और उनका मुख्य श्रेय हमको, हम मेरे तरफ से मनीष भैया को दिया जाएगा, साथ उनके साथ साथ सभी टीम को दिया जाएगा। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया भैया? मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया कि मैं सेल्फ स्टडी, मतलब मोबाइल ज़्यादा यूज करता था, सेल्फ स्टडी कम हो पाता था, तो अब ज़्यादा सेल्फ स्टडी हो रहा, मोबाइल को कम यूज कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम गोपालगंज। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये हमको बताया था कि जाओ पीडीसी, वहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार होता है, वहाँ पे मोटिवेट लड़का सबको कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे हमारे साथ जादू हो गया, मतलब हम खुद अपने आप को समझ ही नहीं पाए, हमारे अंदर मतलब सकृति उत्पन्न होने लगी, ऊर्जा शक्ति उत्पन्न होने लगा, हमारा मतलब अपने आप को मतलब महसूस करने लगे कि हम वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। हम अपने आप को, पहले हमारे पास आई हैड नो गोल बट आई हैव गोल, अब मेरे पास गोल है, लेकिन पहले हमारे पास गोल नहीं होता था। लेकिन ये हम आप सब किसी को बताना चाहते हैं, थैंक यू फॉर ऑल गायत्री फैमिली, आई रिक्वेस्ट यू एंड मनीष भैया यू आर, और थैंक यू सो मच, आप ही के तरह से ही संभव हो पाया है, आपके बिना ये सब मतलब अधूरा है। और सबसे पहली बात की और बताना चाहते हैं कि पीडीसी में हमारे लिए बहुत कुछ बताया गया है जिसको हम वो अपनी ज़िंदगी में धारण करना ज़रूरी है, जैसे में जो मंत्र बताया गया है, आई एम डूइंग टू हेल्थ केयर, हम खुद एक डॉक्टर का पढ़ाई पढ़ते हैं, आई एम डूइंग टू बीपीटी, हम लोग जहाँ तक जानते हैं रिसर्च किए हैं, हमारे सर भी बोलते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का आह्वान करना चाहिए, इसे न्यूरोन जो होता है यहाँ पे एक्टिव होता है। तो हम सारे दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके पीडीसी कोर्स कीजिए और इसे अपना धन्य को, जीवन को धन्य बनाइए। क्या नाम है भैया आपका? दीपक कुमार। कहाँ से हैं आप? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? हम एक टाइपिंग सेंटर में टाइपिंग सिखाते हैं, वहाँ एक भाई जी थी, वहाँ से बोले कि चलो एक दिन संडे को हम आए, और उसी के साथ आए तो वो बोले कि पीडीसी कर लेना चाहिए, पीडीसी करके देखें, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। पहले पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? पहले हम पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, आधा घंटा करते थे, उसके बाद मन भटकता था, लेकिन ये सब करने के बाद हमारा मन एक जगह रहता है, हम पढ़ाई कर पाते हैं स्थिर से। पहले यहाँ के बारे में आपका क्या विचार था कि मतलब मंदिर जा रहे हैं तो पूजा पाठ? मेरा सोच था ये कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में क्या सिखाएगा, लेकिन वही सब, और फिर पीडीसी किए तो उसके बाद हमको अनुभव हुआ कि जो हम सोचते थे उससे कई गुना अच्छा हमको यहाँ से मिला, प्राप्त हुआ। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। कहाँ से हैं आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? वैसे तो हम जनवरी 2024 से ही यहाँ से जुड़े हुए थे, पीडीसी के बारे में पहले से हम जानते थे, लेकिन सोच रहे थे कि अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम के कारण हम नहीं कर पा रहे थे, फिर भी बीच में हम देख रहे थे कि मेरी पढ़ाई इससे पहले अच्छी चल रही थी, लेकिन जब से हम थोड़ा सा पीडीसी को लेके मन में सोच रहे थे कि करेंगे, लेकिन फिर नहीं कर पाते थे, तो बीच में मेरा डिस्टर्बेंस हो गया पढ़ाई में, इसी के कारण हम सोचे कि एग्ज़ाम तो बाद में भी होगा, 5 दिन का टाइम इसमें लगाते हैं, जिससे कि मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और मेरा भोजन, इससे पहले मैं जो खाना खाते थे वो समय सुधार आया है, पहले सब शाकाहारी हो गए। अभिषेक आनंद। कहाँ से हैं आप? बांका जिला। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? फ्रेंड के द्वारा। पीडीसी क्लास करने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? मेरा जीवन में ये परिवर्तन आया है कि मतलब अच्छे कामों में लगाना चाहिए। कहाँ से हैं आप? आरा जिला से हैं। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? हमारे एक मित्र रहते थे यहाँ पटना में, तो उनके पास हम एक दिन रहने के लिए आए थे, एग्ज़ाम था, तो हमको यहाँ पर लेकर आए थे, तो सेमिनार में संडे को होता है सुबह में और शाम को, तो हम दोनों टाइम आए थे और आए देखे तो बहुत अच्छा लगा हमको, फिर मनीष भैया बताया हमको, तो घर पे जाके वैसा हम किए गायत्री जी का उच्चारण किए 20 मिनट, तो हमको फिर मन करने लगा, रवि जी बोले कि पीडीसी कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हम बोले कि भाई पटना मुश्किल रहना पड़ेगा, तो बोले कि ठीक है कभी आइएगा तो रह जाइएगा, तो फिर हम गांव में ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो हमको समय नहीं लग रहा था कि मतलब अब पढ़ा इधर करना है तो ट्यूशन छूट जाएगा और बच्चे लोग फिर
थोड़ा छूट कम हो जाता है ना, हटने लगेगा लोग, तो फिर हम नहीं गए। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गया। फिर हमारे एक छोटे भाई यहाँ पर आकर करके चले गए थे पीडीसी, राजकुमार नाम है उनका। तो वो हमको बोले कि भैया आप हमसे पहले से जुड़े थे और आप ही नहीं किए। तो हम बोले कि भाई की समय नहीं मिल रहा हमको। तो बोल रहे हैं कि कभी तो आपको समय नहीं मिलेगा, आप उसको बंद कीजिए या किसी को दे दीजिए पढ़ाने के लिए और आप जाकर कर लीजिए। तो हम उनकी बात मानकर यहाँ पर आ गए और आए तो सही में बहुत बढ़िया बात बताए थे, हमको बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत माइंड टेंशन रहता था, हम पढ़ नहीं पाते थे, बच्चों को भी पढ़ाने में रहता था और अपना कोई पढ़ाई नहीं हो पाता था, और टाइम मैनेजमेंट हम भूल गए थे, सबसे बड़ी बात है। तो हम यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना सीख गए और बहुत हमको अच्छा लगा। हम और बच्चों को जाकर बोलेंगे कि यहाँ पर आइए, पीडीसी कोर्स कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? करण कुमार। कहाँ से हैं आप? जहानाबाद से। पीडीसी के बारे में आपको कहाँ जानकारी मिली? मेरे एक दोस्त हैं, आनंद कुमार नाम है, उन्हीं ने बताया। और हम मतलब बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि यहाँ हमको पीडीसी करने का मौका मिला। और जैसे नालंदा विश्वविद्यालय 1000 साल पहले चलता था, उसी प्रकार से आज मतलब यहाँ गायत्री परिवार से हम मतलब जितना भी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़े थे उतना ही समतुल हमको लगा कि आज यहाँ हम कुछ आके सीखे हैं। और साधना सही है, हम शादी के साथ तो जीना ही चाहिए, लेकिन जैसे मनीष भाई बोलते हैं ना कि युग बदलेगा, 4-5 साल के बाद युग बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। और यहाँ आके हमको सनातनी धर्म का मतलब वास्तविकता पता चला है। मेरा घर मधुबनी जिला लदनिया पड़ता है। हम यहाँ एक दोस्त से प्रभावित होकर के यहाँ जो है ना गायत्री पीठ में आए हैं। इससे पहले मेरे गांव में भी एक संस्था है, 3 किलोमीटर दूर है, माथा गांव में है। वहाँ बहुत पहले जानते थे उसके बारे में, मतलब पूर्ण रूप से उतना हमको जानकारी नहीं था कि गायत्री शक्तिपीठ क्या होता है, आखिर इसमें जाने के बाद क्या इंसान प्रभावित होता है। मतलब अंदर से जुनून और जोश जगता है। अभी जो हम लोग जुड़े हैं इससे, हमारे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बढ़ा। ये हम काम और पहले जुड़े रहते थे, काश कहीं और हम भी रहते। अगर हमारे गांव के तरफ के अभी 4 लोग जुड़े हुए थे इससे पहले, जो अभी 2 स्टेशन मास्टर में है, एक जो है TT है और एक ग्रुप डी में है, उन लोग भी यहाँ पर बाल संस्कार पाठशाला में अपना टाइम देते थे और अपना पढ़ाई भी करते थे, मन से पढ़ाई करते थे। उन लोग को भी हम देखते थे, लेकिन उन लोग भी हमको उतना जानकारी नहीं दिया जितना होना चाहिए। उससे हम जानते थे कि गायत्री शक्तिपीठ में वो लोग जाते हैं, हम भी कोई दूसरे मंदिर से जुड़े हुए थे तो वहाँ जाते थे हम, ये लोग वहाँ आते थे। लेकिन अभी हम एक दोस्त हमको इसके बारे में पूरा जानकारी जब दिया, तब उसको हम यहाँ पर आने का कोशिश किए। तो बहुत पहले से करते थे, करते करते इस बीच में 1 महीना पहले हम यहाँ पर आए। जब आए ना तब यहाँ पर संडे का क्लास लिए, उसके बाद PDC के बारे में हमको बताया दोस्त, कुंदन कुमार सिंह नाम है उनका। तो वो बताए कि ऐसे ऐसे बात है, मतलब वहाँ पर जाओ एक बार जाकर के आप सिर्फ देखो क्या होता है। वहाँ पर जो हम 5 दिन का जो क्लास किया है, इससे हमको बहुत अपने आप में बल मिला है और पढ़ने का डेडिकेशन भी मतलब हमको जगा है कि हम मतलब जो है ना अपने काम के प्रति अच्छा से पढ़े और अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति और नागरिक बने। कहाँ से हैं आप? मैं सारण जिला से हूँ। यहाँ पे आप PDC क्लास रुक के किए, यहाँ के माहौल और वातावरण के बारे में बताइए। तो यहाँ भी आने पर मतलब जो यहाँ भाई ऑफिस में काम करते हैं वो तो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं ही, उनके अलावा जितने भी छोटे काम भी यहाँ करते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड के हैं और मतलब बहुत से प्रेम भाव से रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। और यहाँ का माहौल वास्तव में बहुत शांतिपूर्ण, स्नेहपूर्ण और एक तरह से कह सकते हैं कि स्वर्ग की जैसा अनुभूति हुई यहाँ।